ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आज की क्लास में देखने जा रहे हैं इस एसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, आरई मॉडल, आर पैरामीटर मॉडल। मतलब एक टॉपिक है हम लोगों का, ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है एसी एनालिसिस, इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक आरई मॉडल और आर पैरामीटर मॉडल के बारे में पढ़ना है। एसी एनालिसिस को हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के तौर पे भी जानते हैं, या जनरली हम जो पैरामीटर अभी इसमें पढ़ने वाले हैं वो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पैरामीटर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसको हम देखते हैं अभी नेक्स्ट, इसमें इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं और क्या क्या करना है एसी एनालिसिस में वो हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा ध्यान से समझोगे आप लोग तो इजिली इसको हम लोग कर पाएंगे। तो एसी सिग्नल, स्मॉल सिग्नल मॉडल का मतलब ये हो गया, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अप्लाइड इनपुट इज वेरी स्मॉल, मतलब जो हम एसी इनपुट, जैसे हमने डीसी एनालिसिस किया था तो क्या किया था, हमने वीसीसी दिया था और इसके बाद वीसीसी का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज सप्लाई दे रहा हूँ ऑपरेट होने के लिए, मतलब डीसी बायसिंग कर रहा हूँ मैं बीजेटी को। तो उसके अलावा अगर मैं एसी सिग्नल दे रहा हूँ इनपुट में अगर मैं एसी सिग्नल दे रहा हूँ जो कि बहुत ही स्मॉल है, इट मींस दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली इनटू मिली वोल्ट और फ्यू वोल्ट्स, तो इसको हम लोग जनरली कहते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। अब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के तौर में हम लोग क्या करेंगे कि एक मॉडल देखेंगे, उसमें दो तीन मॉडल होता है, हाइब्रिड मॉडल होता है, इसके बाद एच मतलब हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल होता है, लेकिन हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, एकेटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो है आरई मॉडल। आरई मॉडल का मतलब ये हो गया आर पैरामीटर मॉडल। इसको आरई मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आरई रेसिस्टेंस का यूज होता है। वो क्या होता है आरई, हम लोग जस्ट अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर जब आपसे पूछा जाए कि आरई मॉडल एनालिसिस कीजिए तो क्या करना है, आरई मॉडल करने के लिए आपको मात्र तीन स्टेप्स अप्लाई करना है। तीन स्टेप में क्या करना है, सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसको शॉर्ट सर्किट से चेंज कर देना है। क्यों, क्योंकि शॉर्ट मतलब एसी के लिए कैपेसिटर एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो उसको ओपन सर्किट कर देना है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इंडक्टर नहीं मिलेगा, ओनली कैपेसिटर आने वाला है। इसके बाद डीसी जो सप्लाई, डीसी एनालिसिस, डीसी वोल्टेज जो दिया रहेगा उसको जीरो कर देना है, जीरो का मतलब उसको ग्राउंड कर देना है, ठीक है। और अगर डीसी करेंट सोर्स है तो उसको हमें ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट कर देना है, लेकिन जनरली यहाँ भी हमें डीसी करंट सोर्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझ में आई, पहला स्टेप कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, डीसी वोल्टेज को जीरो यानी कि ग्राउंड कर दीजिए, और तीसरा जो बीजेटी का सिंबल है, जो बीजेटी का सर्किट है उसको स्मॉल सिग्नल मॉडल आरई से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यानी कि उसको उसकी जगह पे स्मॉल सिग्नल मॉडल यानी कि आरई मॉडल जो है उसको वहां पे आप रिप्लेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे। ओके सो इसमें आप देख सकते हो इस लाइन में, ये हमारा बीजेटी का सिंबल है, ये तो पता है ये बीजेटी का सिंबल है जिसमें कि बी ई और सी यानी कि इमीटर, कलेक्टर और बेस। और इसका अगर मैं आरई मॉडल यानी कि जिसको हम लोगों ने बार बार आरई मॉडल बोल रहे हैं, ओके, तो आरई मॉडल के तौर पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसका आरई मॉडल ऐसा होता है, ऐसा मतलब कि मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन बता दे रहा हूं इसको, मतलब कि आपका ये जो इनपुट है वो बेस है, जो यहाँ पे इनपुट बेस दिया हुआ है, आउटपुट जो है वो कलेक्टर है, तो यहाँ पे कलेक्टर यहाँ पे दे रखा है कलेक्टर। इसके बाद ये जो लाइन है जो नीचे दी हुई है वो क्या है, इमीटर है। बेस से जो करंट आ रही है, ये बेस करंट, वो आई बी जो कि एक रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे डला हुआ है बीटा आर ई के बराबर है, और यहाँ पे जो करंट आ रही है इसमें वो एक तरीके से आई सी करंट है या जनरली आई ई करंट है, जिसको कि हम लोग 1+β इंटू आई बी या बीटा इंटू आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि मुझे बीटा इंटू आई बी करंट मिला, और ये जो है वो आउटपुट रेसिस्टेंस है यानी कि आर ओ, यानी कि जहां भी, एक लाइन में समझना, जहां भी आपको बीजेटी का ये सिंबल दिखेगा उसकी जगह पे सबसे पहले इससे रिप्रेजेंट कर देना है। मात्र तीन टर्म्स है, बीटा आर ई, बीटा आई बी एंड आर ओ, जहां पे कि इनपुट इम्पिडेंस हो गया बीटा आर ई, आउटपुट इम्पिडेंस हो गया आर ओ, और करंट जो हो गई वो करंट की वैल्यू जो हो गई वो बीटा आई बी के बराबर हो गई। शॉर्ट वर्ड में समझिए कि इसका मतलब आईसी है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये जब भी आपको पूछा जाएगा कि किसी का भी बीजेटी का एसी मॉडल या एसी एनालिसिस कीजिए, तो सबसे पहले ये मॉडल आपको
तैयार इस ये मॉडल को लिखना है, इसको बना देना है सबसे पहले। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे कॉमन इमीटर का फिक्स बायस का हम लोग इसका एसी मॉडल देखते हैं। तो शॉर्ट में आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये है आपका कॉमन इमीटर फिक्स बायस सर्किट। फिक्स बायस सर्किट हमने ले रखा है यहाँ पे। फिक्स बायस सर्किट के लिए हमने क्या किया है कि ये बीसीसी दिया, इनपुट में आरबी दिया, यहाँ पे आरसी रखा और यहाँ पे ई के साथ कुछ भी नहीं है। ई मतलब आपका शॉर्ट सर्किट है, मतलब ई में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। कैपेसिटर यहाँ पे सी वन है और कैपेसिटर सी टू है। तो आपके अभी जस्ट मैंने तीसरा तीन स्टेप बताया, उसमें क्या करना है, जहां पे सी वन है उसको मुझे शॉर्ट सर्किट कर देना है। ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया और यहाँ कैपेसिटर ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। दूसरा स्टेप वीसीसी को हमें क्या करना है, जीरो यानी कि ग्राउंड कर देना है, यानी कि ये जो हो जाएगा वो ग्राउंड मान लेंगे, ये ग्राउंड। ओके, तो अब जो आरबी कनेक्टेड होगा, देखना बी से लेके अब ये किससे कनेक्ट, आरबी किससे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बी से आरबी जो होगा वो ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाएगा। ये जो आरबी है और ये जो आरसी है, अब ये तो ग्राउंड हो गया, वीसीसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। वीसीसी इज कन्वर्टेड इनटू द ग्राउंड, यानी कि ये अब जीरो कर दिया इसको, जीरो का मतलब ये ग्राउंड हो गया। तो क्या हो गया, बी से आरबी ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, सी से आरसी भी ग्राउंड से कनेक्ट हो गया और इसके अलावा ये शॉर्ट सर्किट हो गया ये वाला, और ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ये बन गया हमारा। और ये जो बीजेटी दिया हुआ है इसकी जगह पे जो हमने ये मॉडल पीछे बताया था उस मॉडल से रिप्लेस कर देना है, यानी कि ये जो बना हुआ है वहां पे बीटा, ये देखो ये मॉडल बीजेटी की जगह पे ये मॉडल बना देना है, ये वाला यहां से लेके यहां तक का, यहां से यहां तक का मॉडल क्या, बीटा आर ई, बीटा आई बी एंड आर ओ, रिमेनिंग क्या हो गया, ग्राउंड आर बी और आर सी। ठीक है, क्लियर है, रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, दो पहला स्टेप किया हमने वीसीसी को ग्राउंड, दोनों कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट, तो जो सर्किट और ये जो हमारा बीजेटी बना हुआ है उसकी जगह पे ये वाला मॉडल, तो जो भी मॉडल बन के आएगा वो आपका हो जाएगा आरई मॉडल, आर पैरामीटर मॉडल। अच्छा, अब इसमें इस साइड में जो इंपेडेंस होगा, यानी कि इंपेडेंस का मतलब दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं वो इसका इनपुट इंपेडेंस होगा, इधर आउटपुट साइड में जो इंपेडेंस लगे हुए हैं ये भी दो इंपेडेंस है आर सी एंड आर ओ, ये आपका इसका आउटपुट इंपेडेंस होगा, इसको जेड नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो इसके अक्रॉस डेवलप होगा यहाँ पे, और इस तरीके से ये आउटपुट करंट होगी जो इस डायरेक्शन फ्लो रही है, और ये इनपुट करंट होगी इस तरीके से फ्लो रही है। तो इसको देखने के लिए मैं दो तीन लाइन में इसको दिखा दे रहा हूं आपको यहाँ पे कि आरई क्या है, बार बार आर मॉडल आर पैरामीटर मॉडल की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज आरई, आरई एक्चुअली आरई की वैल्यू जो होती है वो 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाय आई के बराबर होती है। जनरली मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को ध्यान पे होगा तो हम लोगों ने एक डायनेमिक डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस पढ़ा था आरडी, और आरडी की वैल्यू हमने जो डिफाइन की थी, निकाली थी, वो था ईटा वीटी, अगर आप लोगों को ध्यान पे होगा तो मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ईटा वीटी डिवाइड बाई आईडी प्लस आईएस, याद आ रहा है। तो यहाँ पे आईडी प्लस आईएस का मतलब हो गया टोटल करेंट, यानी कि आईबी प्लस आईसी। ठीक है, ये आपका आरडी डायनेमिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता था। ओके, ये हमारा डायनेमिक रेसिस्टेंस था डायोड का। इसी से अगर मैं ईटा की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 1 रख लूं और वीटी की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 26 रख लूं तो क्या मिल जाएगा, 1 × 26 यानी कि 26 मिली वोल्ट है ना, और ये डिवाइड बाई जो आईडी प्लस आईएस है इसका जगह पे हम यानी कि टोटल करंट यानी कि आईई रख लिया, तो ये मिला मुझे आरई। और यही इसी को हमें बार बार यूज करना, हर जगह आरई देख सकते हो यूज होगा, इसीलिए इसको आरई मॉडल या आर पैरामीटर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनपुट इम्पीडेंस की तरफ। तो इनपुट इम्पीडेंस हमारा क्या है, आई विल शो यू आउट, लुक एट हियर, ये हमारा जो है सर्किट है जिसका जिसका कि हम इनपुट आउटपुट लिख रहे हैं। अब मैं आपको आपसे पूछूं कि जेडा यानी कि इनपुट इम्पीडेंस क्या है, यानी कि इनपुट में कितने रेसिस्टेंस है, तो इनपुट में मात्र दो रेसिस्टेंस है, एक आरबी है और एक बीटा आरई, जो दोनों आपस में पैरेलल में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, बीटा आरई पैरेलल टू आरबी। क्लियर है, जहां पे कि आरई की वैल्यू 26 मिली वोल्ट बाई आई निकाला है हम लोगों ने, और मैंने बता दिया कि ये कैसे आता है। ओके, इसके बाद आउटपुट इम्पीडेंस में देखें, यानी कि इधर इस साइड में जेडो इज इक्वल टू, तो आउटपुट में कितने रेसिस्टेंस है, मात्र दो रेसिस्टेंस है आर ओ एंड आर सी, इसलिए आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, आर ओ पैरेलल टू आर सी। क्लियर है, अब आते हैं गेन में, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट बाई
आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज को हम लिख सकते हैं आई ओ आई इंटू आर, और इनपुट को भी लिख सकते हैं आई इंटू आर। और आई आईओ की वैल्यू जो होगी वो, क्योंकि अपोजिट में करंट आई सी अपोजिट में फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस माइनस आई बी इंटू बीटा। सो माइनस बीटा इंटू आई बी की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये वाली वैल्यू माइनस बीटा इंटू, माइनस क्यों लिखा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट इधर फ्लो हो रहा है। और जेड नॉट की वैल्यू आर ओ पैरेलल टू आर सी, और बीटा आई बी इंटू आर ई हमने क्यों लिखा है, बीटा आई बी इंटू आर ई हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आई बी की वैल्यू यहाँ पे आई बी वी आई जो होगा टोटल वी आई इक्वल टू आई इंटू आर, और आई क्या है आई बी के बराबर, और आर क्या है बीटा इंटू आर ई के बराबर, इसलिए हमने जनरली इनपुट को हमने आई बी इंटू बीटा आर ई लिखा है ना, और आउटपुट को हमने माइनस बीटा आई बी इंटू आर ओ सी, जहाँ पे बीटा आई बी कैंसिल हो गया और जो आउटपुट गेन मिलेगा मुझे वो माइनस आर ओ पैरेलल टू आर सी डिवाइड बाई आर ई। इन शॉर्ट यू कैन से दैट इट इज नथिंग बट माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई आर ई। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि मतलब आपको दिक्कत आएगी। जेड आई इज इक्वल टू जो भी इनपुट में इम्पिडेंस होगा उसको पैरेलल कर देंगे, जेड आउट इज इक्वल टू जो आउटपुट इम्पिडेंस हो जाएगा उसको ले लेंगे, ए वी इज इक्वल टू माइनस जेड नॉट बाई आर ई कर लेंगे, आर ई बताइए हमें क्या है। और करंट गेन जनरली की हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट गेन बहुत ही कम पूछा जाता है, इतना ज्यादा नहीं करंट गेन की वैल्यू पूछी जाती है, लेकिन फिर भी जनरली अप्रोक्सीमेटली करंट गेन का मतलब हो गया आई सी बाई आई बी जो कि बीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर इसको एग्जैक्ट वैल्यू आप जानना चाहोगे कि एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यूज क्या फाइंड आउट करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू इतना के बराबर होती है, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग ए आई इज इक्वल टू माइनस ए वी जेड आई बाई आर सी के बराबर मानते हैं। तो हमें मेनली जो ध्यान पर रखना है वो ये ऊपर से जो तीन से चार पॉइंट है उसको ध्यान पर रखना है, आर ई की वैल्यू, जेड आई की वैल्यू, जेडो की वैल्यू और ए वी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर वन, फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बोला गया है कि ये सर्किट है, जो भी सर्किट यानी कि फिक्स बायस सर्किट जो है, और इस सर्किट में आर बी की वैल्यू 470, आर सी की वैल्यू 3 किलो ओम, बीटा 100 दिया हुआ है, आर ओ जो है वो 50 किलो ओम दे रहा है, और वी सी सी की वैल्यू 12 वोल्ट दी हुई है। पूछा जा, देखो इसमें कहीं भी आपसे ये नहीं बोला गया है कि ये जो है वो एसी मॉडल है, आरई मॉडल है या डीसी मॉडल। सिर्फ जहां भी आपसे अगर आरई निकालने के लिए बोला जाए, जेडआई निकालने के लिए बोला जाए या जेड नॉट निकालने के लिए बोला जाए, तो समझ लेना कि हम आरई मॉडल, आर पैरामीटर मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना समझ लेना आपको ध्यान से। तो क्वेश्चन है कि डिटरमाइन आरई, सबसे पहला स्टेप क्या है आरई निकालने का, दूसरा स्टेप है कि जेड आई यानी कि इनपुट इम्पिडेंस निकालिए। तो उस जैसे ही आपसे ये पूछेगा उसको क्या करना, आप लोग एक छोटा सा एसी मॉडल यानी आरई मॉडल बना लेना। आरई मॉडल का मतलब यहाँ पे बीटा आरई, बीटा आई बी एंड आर ओ, और इसके साथ एक आर सी लग जाएगा और बेस में क्या लग जाएगा, आर बी लग जाएगा। ठीक है, तो अब डीसी एनालिसिस इसका पहले, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसकी डीसी एनालिसिस क्यों कर रहा है, क्योंकि हमसे तो पूछा जा रहा है एसी एनालिसिस, क्योंकि आरई निकालने के लिए, आरई को निकालने के लिए आपको 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई निकालना होगा, और वो आई ई क्या होता है, आई ई इज नथिंग बट 26 मिली वोल्ट यानी कि 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई। और आई कैसे निकालेंगे हम लोग, आई निकालने का सिंपल डीसी एनालिसिस का तरीका हमें फाइंड आउट करना है कि हम आई बी निकालेंगे और आई बी से हम क्या करेंगे आई सी की वैल्यू निकाल, क्लियर है। सो आई बी, लुक एट आउट हियर, आई बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स सर्किट में VCC माइनस VBE डिवाइड बाई RB, जहां पे कि VCC की वैल्यू 12 वोल्ट दी हुई है, माइनस VC VBE की वैल्यू माइनस 0.7 वोल्ट और RB की वैल्यू 470 किलो ओम, और इससे हमें क्या निकल गया, IB निकल गया 24.04 माइक्रो एम्पियर। और IB से हम डायरेक्टली I निकाल सकते हैं, 1 प्लस बीटा इंटू IB, 1 प्लस बीटा यानी कि 100 बीटा दिया हुआ है, 100 प्लस 101 हो गया, IB की वैल्यू जस्ट अभी निकाला हमने 24.04 माइक्रो एम्पियर, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2.428 मिली एम्पियर के आसपास। और जब आपको आई निकल गया तब जाके हमने यहाँ पे डीसी एनालिसिस हमने क्या निकाली, आरई। इतना तक तो हमें सब में करना है, कुछ भी क्वेश्चन देगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी तरीके से आई निकालना है। आई निकालने के बाद आरई का फॉर्मूला 26 डिवाइड बाई आईई, 26 डिवाइड बाई आई की वैल्यू 2.428 मिली एम्पियर एंड यू गॉट द आरई वैल्यू 10.71 ओम, क्लियर।
सो इन दिस स्टेप अब रिमेनिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो आर ई निकल गया तो हम इसके बाद क्या निकालेंगे, बीटा आर ई निकालेंगे. तो बीटा आर ई सिंपल है, आर ई निकल चुका है 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ बीटा आर ई दैट इज 100 इनटू 10.71 दैट इज 1.071 किलो. अच्छा अब बीटा आर ई निकल गया तो इनपुट इम्पीडेंस जेड आई किसके बराबर हो जाएगा, आर बी पैरेलल टू बीटा आर ई. सो आर बी पैरेलल टू बीटा आर ई कर दिया हमने. आर बी की ध्यान रखना दोनों की वैल्यू को एक एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये किलो ओम में तो इसको भी किलो ओम में, अगर ये ओम में आता है तो आपको किलो ओम में करना पड़ेगा, दोनों किलो ओम में करो या दोनों को ओम में करो, ये यूनिट ध्यान पर रखना आप लोग. तो ये 470 आरबी की वैल्यू दी हुई है कि 470 किलो ओम है और बीटा आरबी की वैल्यू हमने निकाला 1.07 किलो ओम. तो इन दोनों को पैरेलल में करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1.069 किलो. ओके अब आते हैं जेड आउट की वैल्यू. पूछा गया आपसे कि अगर आर ओ इन्फिनिटी है तो जेड आर ओ की जेड ओ की वैल्यू क्या होगी. ये अगर आर ओ इन्फाइनाइट हो जाए यानी कि आर ओ की वैल्यू अगर आपके पास नहीं गिवन है तो डायरेक्टली जेड ओ इजकल टू क्या हो जाएगा, आर सी के बराबर, और कुछ भी नहीं करना है. तो इसीलिए यहाँ पे आर जेड ओ इजकल टू सिर्फ हमने आर सी लिख लिया, कब, जब आर ओ इन्फाइनाइट है. सिमिलरली आर ओ की वैल्यू अगर इन्फाइनाइट है तो ए वी कैसे निकालेंगे, तो आर ओ की वैल्यू इन्फाइनाइट है तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम, आर सी माइनस आर सी डिवाइड बाई आर ई, क्योंकि यहाँ पे आर ई है नहीं तो क्या हो जाएगा, माइनस आर ई आर सी बाई आर ई. RC की वैल्यू ऑलरेडी 3 किलो ओम दिया हुआ है, RE हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10.71 किलो ओम एंड यू विल गेट -280.11. एक और कंडीशन है AI यानी कि करंट गेन. करंट गेन इक्वल टू एप्रोक्सीमेटली बीटा के बराबर होगी जो कि यहां पे 100 गिवन है, कब, जब RB ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बीटा RE होता है. अब आते हैं नॉर्मली जब हमारे पास RO की वैल्यू गिवन है, RO की वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है कि RO इज इक्वल टू 550 किलो ओम अगर दिया हुआ है, तो सिंपल फॉर्मूला अगर आर ओ दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, जेड आउटपुट इज इक्वल टू आर ओ पैरेलल टू आर सी एंड आर ओ की वैल्यू है 50 किलो ओम पैरेलल टू 3 किलो ओम. तो यहां से आर ओ पैरेलल टू आर सी किया हमने और ये सिंपली 2.83 किलो ओम निकल गया जो कि आर ओ इन्फाइनाइट के केस में कितना आ रहा था, आर ओ इन्फाइनाइट के केस में 3 किलो ओम आ रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर है. फिर ए वी की वैल्यू निकाल रहे हैं जब आर ओ गिवन है 50 किलो ओम, तो आर ओ पैरेलल टू आर सी पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2.83 और डिवाइड बाई आर ई कर लेंगे, तो ये 2.83 डिवाइड बाई आर ई की वैल्यू कितनी आ गई, -264.24 जबकि उस केस में कितना आया था, -280.11. सिमिलरली हम ए आई की वैल्यू निकालेंगे जो गिवन फॉर्मूला था, ये वाला सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला फॉर्मूला माइनस ए वी इंटू जेड आई बाई आर सी और इसकी वैल्यू आ रही है 94.16 जबकि पिछले वाले केस में कितना आ रहा था, 100 आ रहा था. तो दिस इज द वन सिंपल केस ऑफ एसी आरई मॉडल ऑफ फिक्स बायस बीजेटी सर्किट. ठीक है, और वी आर गोइंग टू सी एग्जांपल ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस एंड टू फाइंड आउट अगेन आरई जेड आई जेड ओ व्हेन आर ओ इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लुक एट हियर, एंड ए वी व्हेन आर ओ इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिपीट द सेम थिंग विथ RO is equal to 1 by HOE is equal to 50 किलो, मतलब RO की वैल्यू 50 किलो ओम दिया हुआ है, तो रिजल्ट को हमें कंपेयर करना है. ठीक है, अब इसमें कहीं भी AC मॉडल RE मॉडल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान पर रखना है कि ये जो क्वेश्चन होगा या ये जो न्यूमेरिकल होगा उसको जहां भी आपसे जेडआई पूछा जाए, जेडओ पूछा जाए, AB निकालने के लिए पूछा जाए, RE निकालने के लिए पूछा जाए, तो समझ लेना है कि RE मॉडल की बात हो रही है. ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन गिवन है ये R1 की वैल्यू दी हुई है ना, नीचे यहाँ पे जो है R2 दिया हुआ है ये बेस में, और इधर क्या दिया हुआ है, RC एंड RE. तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट, ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट हो जाएगा, इसके बाद ये बेसिक पीछे भी शॉर्ट हो जाएगा, और ये जो 22 वोल्ट दिया होगा ये हो गया हमारा जीरो यानी कि ग्राउंड कर दिया, किस केस के लिए, जब हम एसी मॉडल यानी कि आरई मॉडल बनाएंगे तब. ओके, तो अब इसका आरई मॉडल जब हम बनाएंगे तो ये तो बेसिक में बीटा आरई बीटा आईबी एंड आरओ इतना तो हो ही जाएगा. अब क्या लगेगा, आउटपुट साइड में सिर्फ आरसी लगेगा. आप पूछ सकते हो आरई क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि आरई के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये शॉर्ट हो जा रहा है, तो जब जो भी करंट आई यहाँ पे मिल रहा है वो अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास ना होके सारा का सारा इसके थ्रू यानी कि जो ये कैपेसिटर है उसके थ्रू पास हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के थ्रू पास हो जाएगा. इसलिए इस केस में जहां पे आरई में भी कैपेसिटर लगा हुआ है वहां पे हम लोग आरई का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आरसी का यूज होगा. बेस में क्या लग जाएगा, देखो आर वन एंड आर टू पैरेलल में. तो अब इस केस में नॉर्मली आपसे पूछू तो क्या होगा,
जेड आई की वैल्यू, जेड में इनपुट में कितने इंपिडेंस है, आर वन है, आर टू है एंड बीटा आर ई है, इसका मतलब है कि आर वन पैरेलल टू आर टू एंड बीटा आर ई हो जाएगा। आउटपुट में, आउटपुट में वही आर सी एंड आर ओ दो बस केवल रेसिस्टेंस है, अगर आर ओ इनफाइनाइट हो जाए तो सिर्फ आर सी मिलेगा आपको। ओके, तो इस केस में भी सबसे पहले हमें क्या करना है, आई ई की वैल्यू निकालनी है, और अभी आर ई निकालने के लिए so here what we have done, we have applied approximate approach means when beta re is greater than 10 r2 then we'll apply vth is approximately equal to vb, or vb vth nikalne ka formula kya hota hai, vcc into r2 divided by r1 plus r2, aur isse hame value nikal gayi 2.81 volt ke aas pass, theek hai। to jab hamare vb nikal gaya to hame formula to pata hai, vb is equal to vb minus ve, और उससे हमें V क्या निकल जाएगा, VB माइनस VB के बराबर, VB ऑलरेडी हमने अभी 2.81 निकाल चुके हैं और VB की वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है, तो क्या निकल गया, VB V की वैल्यू 2.811। क्यों V निकाल रहे हैं, क्योंकि V निकल गया मुझे तो मैं आराम से IE निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, RE निकालना है, और RE निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RE निकालने के लिए हमें सबसे पहले IE निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 226 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई के बराबर। तो अब यहां से हमने सबसे पहले क्या किया कि आई की वैल्यू निकाल ली यहां से, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वीई बाई आर ई, क्योंकि वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर ई, और वी की वैल्यू 2.11 एंड आर ई की वैल्यू 1.5, तो हमें निकल गया 1.441 मिली एम्पियर। और इससे हमें पता है कि आर ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर ई इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई, आई जस्ट हमने निकाला यहाँ पे, आई तक फिर से रिपीट कर रहा हूँ सब लोग जो अभी हैं, कि आई तक हमें क्या करना है कि डीसी एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करना है, इसमें अभी तक यहाँ पे कोई एसी एनालिसिस का यूज नहीं हुआ है, यहाँ के बाद आई के बाद हम लोग एसी एनालिसिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज करिए, आर ई इज इक्वल टू 26 बाई आई ई, और 26 मिली वोल्ट, और दोनों भी मिली में है, इसलिए हमें वैल्यू क्या गई, 18.44 ओम, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, R dash का मतलब ये यहाँ पे RTH से है, जो हम लोग जनरली DC एनालिसिस में पढ़े हैं, तो हमने क्या किया, RTH निकाल लिया R1 पैरेलल टू R2, और इसकी वैल्यू 56 एंड 8.2 के अप्रोक्स मेरे कितनी वैल्यू आ गई, 7.15 किलो। अब यहाँ पे क्या करना है, ZI इनपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए क्या होगा, R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू बीटा आर, यानी कि डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया इसको, R dash, यानी कि RTH पैरेलल टू बीटा आर, और RTH की वैल्यू अभी हमने 7.15 निकाला, और बीटा आर की वैल्यू यहाँ पे आर ई निकाल चुके हैं हम लोग, तो इनटू इसमें बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू 90 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा आर डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया, 90 इंटू 18.44। अब दोनों को ध्यान रखना, किलो में रख लीजिए, ये भी 7.15 किलो और ये पैरेलल टू 1.66 किलो, और इसकी वैल्यू जेड आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.35 किलो, क्लियर है। जैसा पिछले क्वेश्चन था एक्जेक्टली वैसा ही है, डिफरेंस क्या आया है इसमें, वीटीएच निकालने का वीबी वाला पोर्शन, और ये आरटीएच यानी कि पैरेलल वाला। यहाँ पे भी ये केस आर ओ इज इक्वल जेड ओ इज इक्वल टू आर सी, कब, जब यहाँ पे आर ओ क्या है, इनफाइनाइट है, ये केस तब के लिए है जब आर ओ इज इक्वल टू नथिंग बट इनफाइनाइट, तो जब इनफाइनाइट होगा तो आउटपुट में कोई इंपिडेंस नहीं रहेगा, सिर्फ आर सी इंपिडेंस रह जाएगा। और उसी तरीके से एवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एवी की वैल्यू जेड नॉट की जगह पे माइनस आर सी बाई आर ई, आर सी की वैल्यू ऑलरेडी 6.8 किलो ओम दी हुई है, और आर ई की वैल्यू जस्ट अभी अभी निकाले हम लोग यहाँ पे 18.44। ध्यान रखना ये किलो ओम में है और ये ओम में है, इसलिए ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, एंड वी विल बी गेटिंग वैल्यू -368.76। अब अगर आरओ की वैल्यू, आरओ की वैल्यू 50 किलो ओम दिया हुआ है आरओ इज इक्वल टू, तो सेम चीज को मुझे रिपीट करना है और कंपेयर करना है, यहाँ पे आरओ दिया हुआ है 50, क्लियर है। तो अगर आरओ 50 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अब जेडो डायरेक्टली आरसी के बराबर ना होके आरओ पैरेलल टू आरसी हो जाएगा, और RC 6.8 है पैरेलल टू 50 किलो ओम, एंड विल बी गेटिंग वैल्यू 5.98 किलो ओम, जो कि पिछले वाले केस में कितना आ रहा था, 6.8 किलो ओम। सिमिलरली AV की वैल्यू हम निकालेंगे, और AV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट RC बाई RE की जगह पे माइनस, यहाँ पे क्योंकि इन्वर्शन होता है आउटपुट में, तो माइनस RC पैरेलल टू RO डिवाइड बाई RE कर लेंगे यहाँ पे, और RC पैरेलल टू RO की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि 5.98 के किलो ओम के आसपास आएगी, और आरई की वैल्यू अगेन यहाँ पे ओम में है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -324.3 गेन, वोल्टेज गेन की वैल्यू इतनी आ गई, जो कि पिछले वाले केस में कितना आया था, जब आरओ इनफिनिट था इतना आया था। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ
आरी मॉडल ऑफ सम न्यूमेरिकल्स मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, एक इमिटर, एक फिक्स बायस पे करके दिखा दिया आप लोगों को, एक इमिटर बायस पे आप लोगों को करके दिखा दिया, और होप कि आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेसिक है, मात्र 3 से 4 फॉर्मूले यूज करने हैं और एक डायग्राम यूज करना है जिससे कि आप लोगों को जेड आई जेड ओ और ए वी की वैल्यू दिख जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया होगा है तो जस्ट अभी मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।